तेजस्वी जी को ना मालूम है, ये मालूम है लालू जी को। बहन मायावती से भी बात करेंगे। भाई हमारे यहाँ तो ये उठा पटक चल रहा है, आप जब पूछते हैं तो हम तो पॉलिटिशियन नहीं है, इसलिए सच्ची बात आपको हम बता देते हैं। यही बात है, अब इसी को लेकर के लोग कोई कह रहा है कि आप लगा रहा है कि आप जदयू में जा रहे हैं, का तो जदयू में जाने का मामला है कि महागठबंधन को मजबूत कर करके भाजपा ने सरकार को हम लोगों को खत्म करना है, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं, न कि जदयू में जा रहे हैं। रही बात वो मुख्यमंत्री है, हमारी गलती है या किसी की गलती है, हम उदाहरण देना चाहते हैं। ठीक, हमारे दानी जी ने कहा कि केजरीवाल साहब चुनाव जीते, अमित शाह जी और हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी क्या क्या नहीं जाके उनके खिलाफ बोले, और जब वो जीत गए तो गए कि विकास का काम करना है, इसमें हमको मदद कीजिए। तो आज जब हम लोग हैं विरोध में भी हैं, क्षेत्र की बहुत सी समस्या है, माइनर इरिगेशन की समस्या है, विधक के लिए इंथन की समस्या है, रोड की समस्या है, और फिर हमारे गया जिला की भी समस्या है। जब मुख्यमंत्री तो वही न है, इसीलिए हमने गलती की है कि विगत 2-3 वर्षों से उनसे मुलाकात नहीं किया था। उस गलती को सुधार करके, चूंकि अब 6 महीना मात्र है हमारे राज्य, हमारे जिला के और हमारे कंस्टिट्यूएंसी को पूछेंगे कि हमारे लिए क्या काम किया, इस डर से भी हम उनका मदद लेने के लिए गए थे। यही है राजनीति, कारण कुछ भी नहीं। अब रही बात की इतने बात के बाद एक साथ आदमी बैठता है तो कुछ पॉलिटिकल बात तो हो ही जाती है। अब परसों हमने आप लोगों के समक्ष कहा था कि भाई महागठबंधन में हम लोग हैं तो महागठबंधन में एक आदमी का या एक पार्टी की बात नहीं चली। हम जब महागठबंधन में 5 पार्टनर हैं तो 4 पार्टनर को भी कॉन्फिडेंस पर लेकर चलना चाहिए, और इसके लिए हम अक्टूबर 2019 से लगातार बात कर रहे हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। हम दिसंबर भर समय दिया था, फिर फरवरी में समय दिया था, और अब जबकि हम मांग के चलते हैं कि मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई तैयारी का समय है। अगर हम आपस में विचार कर करके कौन आदमी कहाँ से लड़ेगा एक हिसाब नहीं करेंगे तो फिर वही पुरानी बात हो जाएगी कि जब नोटिफिकेशन हो जाएगा उस समय 2 सीट उसको, 4 सीट उसको, 5 सीट उसको, कोई तैयारी नहीं रहेगी, जिसका खामियाजा हम लोग भुगतते हैं। इसीलिए हम कहते हैं हर हालत में सारी बात कंप्लीट करके अप्रैल महीना में हम लोग एकदम तंदुरुस्त हो जाना चाहते हैं और अपनी रणनीति के तहत काम करेंगे। अगर अब जब 30 मार्च तक अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात चलेगी तो कम से कम जीतन मांझी मानने को तैयार नहीं, एक डेग भी चलने को अब हम तैयार नहीं है। और हम धन्यवाद देते हैं रालोसपा के सुप्रीमो को, वीआईपी के सुप्रीमो को, और यहाँ तक कि कांग्रेस को भी, जो हम कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात करते हैं उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की वो लोग भी बात करते हैं। तो अब 5 पार्टनर में 4 पार्टनर कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहता है तो फिर 1 पार्टनर को न चाहने का क्या उचित है। इसीलिए हमको लाचारी कहना पड़ा, और फिर हमने ये भी कहा है परसों कि अगर कोऑर्डिनेशन कमेटी 30 मार्च तक के नहीं बनेगी तो हम लोग बृहत महागठबंधन की कल्पना करेंगे। और बृहत महागठबंधन का मतलब ये हुआ कि लालू प्रसाद जी या उनकी पार्टी किसी भी परिस्थिति में कन्हैया जिस पार्टी में है, छात्र नेता सीपीआई में है, सीपीआई को साथ को नहीं रखना चाहते। हमारा यहाँ पर मतभेद है, हम चाहते हैं कि सीपीआई मजदूर और गरीब से संबंधित पार्टी है, उसको रखना चाहिए, वो नहीं रखेंगे। और फिर पप्पू यादव का भी एक अपना महत्व है, वो भी उनको नहीं पचेंगे, लेकिन हम चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में हम 4 कांग्रेस के साथ रहेंगे तो 2 ओलो भी हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और हमारा प्रयास चल रहा है, जाएंगे दिल्ली, एक कोरोना का मामला खत्म हो जाएगा तो हम बहन मायावती से भी बात करेंगे, और यहाँ माले और मार्क्सिस्ट पार्टी वाले और लोग हैं उन लोगों से भी बात करेंगे और बात करेंगे। आप सुने हैं तो अभी राज्यसभा के चुनाव में एक व्यापारी को उन्होंने वोट दिया है टिकट, वो कहाँ करते, कितने उनके लोग थे, कौन करता थे, कितना दिन काम किए थे महागठबंधन के लिए उस जाति के लिए, लेकिन उसको उन्होंने दिया, क्या क्राइटेरिया थी। और जहाँ तक जीतन मांझी का बेटा का देने की बात है,
भूल जाते हैं, तेजस्वी जी को ना मालूम है, ये मालूम है लालू जी को कि व्यग्र हो गए थे जब अररिया का उपचुनाव था और जहानाबाद का उपचुनाव था, तो व्यग्र हो गए थे। 10 बार टेलीफोन किए, भाई जी मेरे साथ आ जाइए, हम गए थे, हमने नहीं कहा था कि हमारा बेटा को आप बना दीजिए, ये वो खुशामत में पहले ही बोलते थे, ये हमारे कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनको बोलते थे कि कहे या न कहे बीतम भाई हम उसको बेटा को बना देंगे एमएलसी, तो वो तो अपना खुद गरज पे बनाए थे और उसका लाभ भी मिला। नरपतगंज और सिक्की यादव बहुल इलाका है अररिया कंस्टिट्यूंसी का, पार्लियामेंट का, वहां पर हार गया था सरफराज, और जब हमारा कंस्टिट्यूंसी आया, रानीगंज आया, अररिया आया, और एक और को नहीं जी, यहाँ तीनों कंस्टिट्यूंसी में जहां हम लोग ज्यादा आए वहां पर लाख लाख वोट से हम लोग लीड दिया तो चुनाव जीत गए थे। और जहानाबाद का बड़ी पेगवा खां थे, ये जनरल इलेक्शन होता था तो मुंडिका यादव जी 15,000-16,000 वोट से जीतते थे, और आज नीतीश कुमार का सारा चक्र चला वहां पर, खरीदने की भी बात आई वोटर को, लेकिन उसके बावजूद भी 36,000 वोट से जीते, वो 16,000 वोट किसका था। तो आज बड़ा पीटा लगता है जीतन मांझी जब कोऑर्डिनेशन की बात और डेमोक्रेसी की बात करता है, तो तेजस्वी जी को तो न पता है, बेचारे को तो हम नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये बात लालू जी को पता है। और ये प्रश्न है, हमारे भी आज प्रवक्ता बोले हैं कि बताइए यहाँ पाले राज्यसभा का टिकट कौन कंसीडरेशन से एक आदमी को दिए हैं जो प्रभु बड़ा कारोबारी है, तो यही बात है, ये जवाब यही है। लेकिन मेरा कहने का मतलब कि आज अगर टिकट होता तो हमारा जो कांग्रेस आज हम लोगों से विक्षुब्ध है, हम गवाह हैं कि जोरंगाबाद टिकट हमारे कहने पर हम उनको अब कांग्रेस का टिकट कटा था और हमको दिया गया था, और आज एवज में उनको कहा गया था कि राष्ट्रभा में हम लोग देंगे, आज वो नहीं देकर के कांग्रेस के साथ भी डिच किया गया है, तो कहने पर तो सबको धोखा देंगे। यही चीज तो चाहते हैं कि कोऑर्डिनेशन रहेगा, आपस में बातचीत करके एक नई रणनीति के साथ हम जनतांत्रिक पद्धति से ट्रांसपेरेंसी के तगादा को लेकर के आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा गठबंधन मजबूत। और यदि हमारे राजद के भाइयों को इस बात का गुमान है कि बहुत हमारा ग्राउंड है, तो लोजपा और समूचा मुसलमान वोट और समूचे राजद का वोट 2010 में मिला था तो भी वो 22 सीट पर सिमट गए थे। अगर इस तरह का पैसेबाजी रही नहीं तो हम तो भाई शुभ मनाते हैं उनके लिए, लेकिन अशुभ हो जाएगा, उतना सीट 22 लावेंगे कि नहीं लावेंगे, ये भी संकट।